हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो हमारा 775 मोटर होता है, तो ये काफ़ी पॉपुलर मोटर है और मेरे ही चैनल पर जो है इसके कई सारे जो है प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें वाकई में जो है काफ़ी पावर और काफ़ी टॉर्क होता है। तो आज हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, शायद इस तरह का वीडियो जो है यूट्यूब पर हो या ना हो, शायद नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम शायद ऐसा कुछ होगा। तो मैं आज एक्सपेरिमेंट ये करूँगा दोस्तों कि ये हमारा जो है ये 12 वोल्ट पर चलता है 775 मोटर जो कि डीसी है, और उसके बाद में जो हमारा एक मोटर है जो कि एसी 220-230 वोल्ट पे जो है काम करता है। तो मैं आपको इसका वोल्टेज जो है आपको एक बार शो करा देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियरली मालूम पड़ सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ऊपर इसका मॉडल नंबर है और नीचे 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसका जो है फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर इसके कुछ वायरिंग डायग्राम दिए हुए हैं कैपेसिटर का, और बाकी हमारा स्पीड का जो है कनेक्शन दिया हुआ है। तो मैं करने ये वाला हूँ दोस्तों कि इस मोटर को मैं इस 775 मोटर से अटैच करूँगा और देखेंगे कि इनमें से कौन सा मोटर हमारा जो है, वैसे बेसिकली देखेंगे तो हमारा यही मोटर जो है सबसे पावरफुल है क्योंकि ये हमारा जो है इतने सारे वायर हैं और 230 वोल्ट पर चलेगा, और ये हमारा जो है ये 12 वोल्ट पर चलेगा। तो देखने वाली बात यही है दोस्तों कि देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतता है। तो आप लोग वीडियो शुरू कर चुके हैं, तो आप जब तक मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तब तक आप लोग के मन में क्या है आप कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे जो है मालूम पड़ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब ये मेरे पास एक यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है जिसे मैं ड्रिल मशीन के लिए यूज़ कर रहा था इसको। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो है गैप तो है पर इस गैप में जो है ये काफ़ी फ्री हो रहा है, तो जिसके वजह से इसको बिठाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसमें जो है कुछ लगा देता हूँ, तो जैसे कि टेप, इसके ऊपर टेप मार दूँगा या फिर कुछ और करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको लगा लेते हैं, तो उसके बाद में हम, तो दोस्तों एक सबसे सिंपल सा जो एक तरीका है कि हम इसमें जो है टेप लपेट देंगे, और टेप लपेटने के बाद में इसको जो है हम इसको घुसाएंगे अंदर, और घुसाने के बाद में इसको अगर जितना ये टाइट हो जाएगा उतना टेप हम इसमें मारेंगे, और मारने के बाद जो है फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले आपको मैं दोनों का वेट दिखा देता हूँ कि मोटर में जो है कितना जो है वेट का फ़र्क है, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको आपको वेट दिखा देता हूँ दोनों मोटर का। तो चलिए हम यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये हमारा जो है ऑन हो चुका है और दिखा देता हूँ आपको वेट। ठीक है, यहाँ पर हम जीरो कर देंगे इसको। तो चलिए हम यहाँ जीरो कर दिए हैं, अब इसको रखते हैं। तो आप देख सकते हो 395 ग्राम, यानी ये 400 ग्राम का हमारा मोटर है। ठीक है, और इसको हम भी देख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 1400 ग्राम का मोटर है दोस्तों। तो दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ये 400 ग्राम है और ये 1400 ग्राम है, तो आप डिफरेंस जो है समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से ताकत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि इसमें से हमारा जो है कौन सा विनर होगा। वैसे नंबर के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से तो यही विनर है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसको पहले टेप मारेंगे पूरा। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें टेप मार लेता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो हम पहले यहाँ पर टेप मार लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट करके फिर हम दिखाते हैं, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसमें जो है 8 से 10 राउंड इसमें टेप मारने के बाद इसको अंदर कुछ जितना अंदर से हो सका है करके, और उसके ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा टेपिंग कर दिया हूँ ताकि ये किसी तरह से जो है लूज़ ना होने पाए। और अब ये जो हमारा हाइट है, ये देख सकते हो, ये
हाइट के वजह से मैं यहाँ पर इस तरह का एक पैकिंग लगा देता हूँ, जिससे हमारा जो बैलेंस है वो करेक्ट रहेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ से रोकने के लिए एक जिपटाई मार देता हूँ यहाँ से, जिससे हमारा मोटर जो है इसके ऊपर बना रहे। तो चलिए मैं फटाफट से इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारा मोटर जो है दोनों में से कौन सा मोटर हमारा जो है जीतेगा और कौन सा मोटर हमारा पावरफुल है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसके अंदर से घुमा करके इसको लॉक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इसको हम कट कर देंगे ताकि किसी तरह का जो है डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो मैंने अब इसको कट कर दिया है। तो अब चलिए फाइनली हम जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा छील लेंगे इस वायर को, हमारे डीसी वाले मोटर के वायर को। तो अब हम इसको यहाँ से छील के और अब हम 220 वाले मोटर को हम सप्लाई देंगे। तो हम इसमें से सप्लाई देने से पहले हम इसमें एक हमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा ये वायर है। तो चलिए यहाँ पर हम 2.5 का कैपेसिटर एक यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लगा लिए हैं और हम इसमें हाई स्पीड के कनेक्शन को, इसमें वैसे तीन स्पीड है, एक लो है, मीडियम है, हाई है, पर हम इसको हाई में देंगे। तो चलिए अब मैं चालू करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा हाथ लगा लेता हूँ जिससे, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको चालू कर दिया है और ये एकदम परफेक्टली जो है चालू हो चुका है। तो किसी तरह का जो है प्रॉब्लम अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आपको वीडियो में हो सकता है बहुत स्लो दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये बहुत ही परफेक्टली जो है चालू है। तो ये हमारा डीसी मोटर का आउटपुट का है। आपको मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अगर आ रहा है तो दिखा देता हूँ। देखिए मैं जैसे इसको टच कर रहा हूँ तो हमारा जो है मोटर में लोड आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा, ये देखिए हल्की सी स्पार्किंग हो रही है, यानी कि हमारा ये जो है आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर रहा है। तो वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके कि हमारा 12 वोल्ट का ही मोटर है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिप को यहाँ पर लगानी है। तो ये अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्ट्रिप को जलाने की इतना जो है पावर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, वरना ये हमारा ज़रूर जलता था, बहुत यानी कि कम पावर जो है अभी इसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जो लोड है वो नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ये थोड़ा इससे छोटा मोटर है इसको चला कर देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो ये हमारा जो है चालू हो रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पावर जो है आ रहा है। तो अब चलिए मेन हमारा जो है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने इस रेगुलेटर में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, देखना है तो देखना ही है। तो हम इसको जो है उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो घूम रहा है अभी एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये हमारा मोटर जो है वो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है और हम इसको घुमाएंगे क्लॉक वाइज और देखते हैं कि किस मोटर में हमारे जो है ज़्यादा दम है। तो हमको यहाँ से हाथ लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने इसको फिक्स नहीं किया था। तो चलिए हम किसी भी तरह से दोनों को जरा है रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने रोक दिया हाथ से। चलिए हम यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं। तो चलिए 1 2 3। तो गाइस
प्रॉब्लम जो है हमारा क्या हो गया कि हमारा डायरेक्शन जो है दोस्तों, मोटर का रोटेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में घूम रहा था, ठीक है। तो अब हमारा जो है सही डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि अब हमारा जो है, तो चलिए हम घुमाना शुरू करते हैं। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये हमारा मोटर इसको क्लॉकवाइज में घुमा रहा है। ये देखिए क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। एक मिनट फिर से आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इस मोटर को बंद कर देता हूँ, 775 को मैंने बंद किया। अब ये हमारा जो है इस तरफ घूम रहा है। एक मिनट हम थोड़ा सा इसमें कुछ आपको लगा कर दिखाता हूँ, जिससे आपको जो है प्रॉपर मालूम पड़े कि ये किस साइड में घूम रहा है। थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो रही है, लेकिन आपको डिटेल जो है वो पूरा मिलेगा। तो एक मिनट में आपको जो है थोड़ा सा इसमें टेप लगा कर दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रनिंग का जो है रोटेशन आपको मालूम पड़ सके कि ये किस साइड में हमारा घूम रहा है। तो बंद कर देते हैं इसको हम यहाँ से। तो हमने यहाँ से बंद कर दिया, अब टेप मारेंगे, क्योंकि वो टेप हमारा जो है नहीं लग पा रहा था। चलिए ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब जो है आपको डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि ये किस साइड में घूम रहा है। तो चलिए हम फिर से ऑन करते हैं यहाँ से। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा इस साइड में घूम रहा है। अभी वीडियो में इस साइड दिख रहा है, पर ये इस साइड घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब जैसे ही मैं इसको पावर दूंगा, अभी देखिए आप इसको डायरेक्शन को आप देखिए। अब मैं यहाँ से जैसे ही पावर को मैं बढ़ाऊँगा, देखिए बदल गया ना। फिर हम इसको बंद करते हैं, आप देखिए ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए अभी हमारा इस साइड में घूम रहा है, और पहले उस साइड में घूम रहा था। तो चलिए फिर से दिखा देते हैं, अब देखिए दोस्तों। तो यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन है रियल में जो है 775 हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको जो है रुका कर वो अपने तरीके से जो है इसको चला दे रहा है दोस्तों, सोचो कितना ज़्यादा फर्क है। देखिए अभी आपने देखा होगा, देखिए और कितनी ज़्यादा जो है स्पीड में घुमा रहा है, ये सोचने वाली बात है। देखिए अब मैं जैसे इसको बंद कर रहा हूँ, आप देखिए कि इसको बंद करने के बाद ये देखिए, ठीक है। और जब मैं इसको चालू कर रहा हूँ, अभी देखिए ये देखिए, देखा आपने दोस्तों। तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा जो है पावरफुल ये मोटर हो सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो इससे आप जो है कटर भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का वीडियो पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे जो सामान हैं, बहुत सारे मोटर्स हैं, या फिर बहुत सारे चीज़ जो हमारे हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं इस टेस्टिंग में या फिर एक्सपेरिमेंट में। तो एक छोटा सा लाइक और एक चैनल सब्सक्राइब नए हैं तो कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।